हाय बॉयज एंड गर्ल्स एंड नमस्कार दोस्तों, राइड विद ड्रीम्स शो में आपका स्वागत है। वेलकम ऑन द राइड विद ड्रीम्स शो। आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। माय नेम इज गौरव। आई एम अ बीएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट एंड टर्न एज अ ब्लॉगर। यू कैन विजिट माय वेबसाइट, दैट इज rideweekdreams.com। गो एंड विजिट। टुडे द टॉपिक इज एवरीथिंग यू वांट इज ऑन द अदर साइड ऑफ हियर। आपको जो कुछ भी चाहिए उस डर नाम की दीवार के उस पार है। आपको डरना नहीं पड़ेगा किसी भी काम को करने के लिए। आप कोई भी काम नया करना चाहते तो आप डर नाम की दीवार को क्रॉस करना ही पड़ता है। अगर मेरी बात करें तो मैं जब इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था तब मुझे लग रहा था कि मैं डरूंगा किसी से, मुझे डर लगता है वीडियो रिकॉर्ड करने से। बट मैंने सोचा क्यों ना रिकॉर्ड करके देखें। रिकॉर्ड करने के बाद ऐसा लगा कि मैं किसी का एंटरटेनमेंट कर सकता हूँ, किसी को हंसा सकता हूँ, किसी को मैं इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ, किसी के जीवन में मैं वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। यही मेरी फीलिंग्स थी यह वीडियो रिकॉर्ड करने की। मुझे लगता है कि आपको अच्छा लग रहा होगा मेरी वीडियो देख के, आप हंस भी रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मुद्दा। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उस काम को करने के लिए आपको डर नहीं लगना चाहिए। फिर वो चाहे कुछ भी हो, कोई एग्ज़ाम हो। सोसाइटी से मत डरो माय डियर फ्रेंड। सोसाइटी क्या, लोग क्या सोचेगा, यह बात है ना सबसे ख़राब बात है। लोगों के बारे में सोचोगे मत कुछ भी करने से पहले। आपको सिर्फ खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है माय डियर फ्रेंड्स। एंड आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा मेरे दोस्त, बढ़ेगा। 21 अभी देखो 21 दिन है लॉकडाउन, आगे बढ़ेगा और 50 दिन तक, मतलब 2 महीने लॉकडाउन को लगेंगे। आने वाले 2 महीने हमारी कंडीशन तय करेंगे, मतलब हमारी इकोनॉमी की हालत कैसी होंगी ये आने वाले 2 महीने तय करेंगे। क्योंकि इससे क्या होगा, आने वाले 2 महीनों में हमारे यहाँ के लोगों की जॉब चली जाएंगी, साथ ही में कुछ गरीब लोगों को के पास पैसा कहाँ से आएगा, उनके पास ज़्यादा पैसा भी नहीं है तो वो क्या करेंगे, वो क्वेश्चन आता है। एंड सेकंड वर्ड कोरोना वायरस। 21 डेज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 दिन का लॉकडाउन घोषित किया था। उसके मुताबिक आज है हनुमान जयंती और आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी ओर से। और आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां आए और आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो, यही मेरी मनोकामना है बजरंग बली से। और आपको बताएं, बजरंग बली जी को शक्तियों को याद किसने दिलाया था, पता है? जामवन जी ने बजरंग बली को शक्तियों का याद दिलाया था। उनके शक्तियों का एहसास जामवन जी ने कराया था। उसी तरह कोरोना वायरस भी हमें अपनी शक्तियों का एहसास कराने आ गया है। तो हमें अपनी शक्तियों का एहसास इस 21 दिन में करना है कि हमारे अंदर किन किन शक्तियों की मौजूदगी है और हम किन शक्तियों का उपयोग एक अच्छी तरह से हमारे करियर्स के लिए, ड्रीम्स के लिए कर सकते हैं। इसी काम को हमें इस 21 दिन में करना है। 21 दिन में हमें अपनी शक्तियाँ पहचाननी और उसे बाहर निकलना है और कुछ नया काम करना है, लोगों को एंटरटेनमेंट करना है या इंफोटेनमेंट करना है। यही सारी बातें हमें ध्यान में रखकर आगे बढ़ना पड़ेगा। और मुझे पता है कि आपको हंसी आ रही होंगी अभी, बट मुझे भी बहुत इंजॉयमेंट हो रहा है। मैं भी बहुत इंजॉय कर रहा हूँ यह वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड योर फीडबैक हेल्प्स मी टू इम्प्रूव। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब, लाइक एंड घंटी दबा दीजिए, आपको नोटिफिकेशन आती रहेंगी। और एक बात रहेगी, क्या रह गया मैं भूल गया, मुझे लगता है वो बात कोरोना वायरस से रिलेटेड थी। स्टे होम एंड स्टे सेफ। आई एम विथ हैशटैग स्टे होम। यूट्यूब क्रिएटर ने मुझे बताया है कि आप स्टे होम हैशटैग पर वीडियो बनाइए, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि घर पे रहिए। मैं घर पे रहकर क्या कर रहा हूँ,
मैं ब्लॉग लिख रहा हूँ यार, ब्लॉग आई एम राइटिंग अ ब्लॉग। घर पे रहकर भी काम करने पड़ते हैं आप सभी के लिए काम करना पड़ता है। मैं ब्लॉग लिख रहा हूँ टापर खेड़ा के ऊपर। आई थिंक वो आज 2 बजे वो ब्लॉग रिलीज हो जाएगा। 2 बजे आप उस ब्लॉग को पढ़िए टापर खेड़ा के बारे में, संत लहानजी महाराज संस्थान के ऊपर वो ब्लॉग है। आप उस, मुझे उम्मीद है कि आप उस ब्लॉग को एंजॉय करेंगे, पढ़ेंगे और लोगों को शेयर करेंगे, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए, है ना। सपोर्ट के बिना कुछ पॉसिबल है इस दुनिया में नहीं ना, तो हमें साथ में मिलना है, मिलकर आगे बढ़ना है और हर किसी को एप्रिशिएट करके जाना है। आप जो कोई भी हो, मेरा वीडियो अगर देख रहे होंगे तो मैं चाहता हूँ कि आपके सारे ड्रीम्स कंप्लीट हो जाए, आपकी सारी इच्छाएं कंप्लीट हो जाए और आपके ड्रीम्स में मैं आपको ड्रीम्स को मैं सेलिब्रेट करूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मैडम, एंड मुझे सजेशन दीजिए कि मैं किस वीडियो पर, किस टॉपिक पर वीडियो बना सकता हूँ, मैं किस टॉपिक के ऊपर अच्छे से वीडियो बना सकता हूँ, मैं क्या मैं आपका इंटरटेनमेंट कर सकता हूँ, क्या आप मैं आपका इंफोटेनमेंट कर सकता हूँ, क्या मैं कॉमेडी वीडियो बना सकता हूँ। तो आप मुझे सजेशन दीजिए कि इस वीडियो टॉपिक पर वीडियो बनाइए तो मैं वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गिव योर फीडबैक, गो एंड बाय।